आज मैं खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट हार्डकोर, बट मैं 50 डेज सरवाइव करने का कोशिश करूँगा। तो क्या मैं सरवाइव कर पाऊँगा? आंसर जानना है तो वीडियो को आखिरी तक देखना। सबसे पहले मैंने पेड़ काटा, जो सब लोग करते हैं। उसके बाद मैंने वुड प्लैंक्स लिया, स्टिक लिया, क्राफ्टिंग टेबल लिया और हर एक टूल्स लिया। टूल्स बनाने के बाद मैंने कुछ और पेड़ काटा और मुझे शुगर केन मिला, मैंने वो भी ले लिया। उसके बाद मैं आया, उसके बाद मैंने एक काव को मारा, फिर उसके बाद मैं माइनिंग करने गया और उससे स्टोन के टूल्स बना लिए। फिर मुझे कोल मिला, फिर रात होने लगी थी तो मैंने सोचा मैं अपने को यहीं पे कैद कर लेता हूँ। मैंने अपने को कैद करके माइनिंग स्टार्ट कर दी और बहुत नीचे तक माइन कर लिया, तो भी मुझे ना गोल्ड ना डायमंड कुछ नहीं मिला। फिर बेड के लिए मुझे सिप चाहिए था तो मुझे सिप मिला, मैंने उसे मार दिया। उसके बाद मैं फिर एक और सिप ढूंढने के लिए निकला, बट मैंने देखा मेरे पास खाना नहीं है तो मैंने काव को मारा। उसके बाद भी सिप की तलाश जारी थी, फिर मुझे 3 सिप मिल गए। फिर मैंने बेड बना लिया और फिर मैंने सोचा कि मैं अब एक अपना घर बनाता हूँ। फिर मैं अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर मेरा घर बन गया। लेकिन ये घर दिखने में अच्छा नहीं है, बस रहने के लिए है। उसके बाद मैंने सोचा फार्मिंग करते हैं, तो मैं फार्मिंग करने आ गया, बट मेरे पास 2 ही सीड थे, मैं उन दोनों को ही लगा दिया। उसके बाद मुझे 2 सिप और मिले, मैंने सोचा एक और बेड बना लूँगा तो इन्हें मार देता हूँ, इन्हें तो मैंने मार दिया। उसके बाद मैं माइनिंग करने चल गया, माइनिंग करते करते मुझे आयरन और मिल गया। इसी के साथ मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे आयरन और मिला। फिर मैंने इसे फर्नेस में डाल दिया और इंतज़ार करने लगा आयरन इंगट बनने का। फिर एक आयरन और बचा था, बस मैं उसके के लिए वेट कर रहा था। जैसे ही हो गया वैसे ही मैंने ले लिया हर एक आयरन, उससे मैंने क्राफ्ट कर लिया हर एक चीज़। और उसके बाद मैं फिर माइनिंग करने गया, इस बार मुझे कॉपर मिला। फिर मैं अपने घर वापस आ गया और मुझे कुछ और आयरन मिले थे तो मैंने उनको फर्नेस में डाल दिया। फिर मैं वेट करने लगा कि कब मुझे आयरन इंगट मिलेगा। जब मुझे आयरन इंगट मिल गया तो मैंने एक और आयरन पिकैक्स बना लिया। इसके बाद लगा मुझे यहाँ पे गोल्ड और डायमंड नहीं मिलेंगे तो मैं कहीं और माइनिंग करने चल गया। फिर चलते चलते मुझे एक मधुमक्खी का छत्ता मिला तो मैंने उसे तोड़ दिया। उसके बाद मेरे पीछे मधुमक्खी पड़ गई, फिर मैं भागने लगा। मैं सोचा घर ही हट भागना ठीक रहेगा, लेकिन कैसे तो मधुमक्खी मेरे पीछे से हट गई। उसके बाद मैं फिर जाने लगा माइनिंग करने के लिए। चलते चलते मुझे आयरन मिला, मैंने आयरन को ले लिया। उसके बाद मुझे लगा ये केव है, लेकिन ये तो आदिवासी लोग का घर निकला। फिर रात भर मैं यहीं रुका, जब रात बीत गई तब मैं यहाँ से जाने लगा। बहुत दूर चलने के बाद मुझे एक डेड विलेज दिखा तो मैं उसे लूटने गया। फिर मुझे एक विलेजर का घर मिला जिसके घर में चेस्ट था और उसके चेस्ट में मुझे गोल्ड नगट मिला, मैंने उसे ले लिया। उसके बाद मैंने विलेजर के कैरेट चोरी कर लिए। कैरेट चुराने के बाद मैं फिर माइनिंग करने आया, फिर मुझे एक स्केल्टन मिला, मैंने उसको मार दिया। उसके बाद मैं फिर डायमंड की तलाश में माइनिंग करने गया, बट बहुत माइनिंग करने के बाद मुझे डायमंड और गोल्ड नहीं मिला तो मैं कुछ और आगे जाने लगा। फिर मैं इधर मरते मरते बचा क्रीपर से, ना तो मेरा डी एंड यहीं पे हो जाता। फिर मैं और आगे गया, जाते 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 मुझे एक रूंड पोर्टल दिखा, मैं उसके पास गया। फिर मैंने चेस्ट खोजा, चेस्ट में मुझे बहुत ही अच्छा लूट मिला, मैंने चेस्ट को लूट लिया। उसके बाद चलते चलते मुझे एक और विलेज मिला, फिर मैं उस विलेज को लूटने लगा। फिर जैसे ही मैं एक विलेजर के घर गया,
मुझे वैसे ही गोल्ड इंगट और आयरन इंगट मिला। मैंने फिर गोल्ड इंगट और आयरन इंगट को ले लिया। उसके बाद मैं सोचा इस विलेज को छोड़ देता हूँ, तो मैं इस विलेज से निकल गया। चलते 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 मुझे एक हॉर्स दिखा। मैंने सोचा मेरे पास सैडल है ही, तो इस हॉर्स को ले लेते हैं। बट ये हॉर्स पहली बार में दोस्त नहीं बना, तो मैंने दूसरी बार ट्राई किया, तो दूसरी बार में ये मेरा दोस्त बन गया। मैंने इस पे सैडल लगा दिया और बहुत दूर चलते 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 मुझे विच का घर मिला। मैंने सोचा विच के घर में लूट मिलता है, बट मैं गलत था। विच के घर में लूट नहीं मिलता है, तो फिर मैं वापस जाने लगा। तब मैं एक्सीडेंटली गिर गया। उसके बाद विच ने मुझे मार दिया। उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है, बट मेरा हार्डकोर यहीं पे ख़त्म हो गया। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और वैसे तो मैं सर्वाइवल गेम प्ले नहीं खेलता हूँ और ना हार्डकोर कुछ नहीं खेलता हूँ, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, तो इसलिए मैं ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो टाटा बाय बाय।